नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्टर प्लस न्यूज और मौजूद है जनपद गोरखपुर के महानगर के चुनाव में। महानगर के चुनाव में अपने मुद्दाओं को गिना रहे हैं कि हमारे वार्ड में ये चीज समस्या है और उस समस्या पे बातचीत कर रहे हैं। फास्टर प्लस न्यूज एक एक प्रत्याशियों से जाकर के मिल रहा है कि भैया आपके वार्ड में क्या अधूरा विकास रह गया है, जिस विकास को आप लोग पूरा करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है। इसी में हम आपको बता दें, नेताजी मिली है। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी। सबसे पहले आपका हम बता दें थोड़ा सा नेताजी के बारे में कि हम लोग खोराबार चौराहे पे जा रहे थे तो नेताजी से मुलाकात हो गई। हम मिली जानकारी के अनुसार नेताजी भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की नगर की मंत्री हैं। नगर की मंत्री हैं सुनीता पासवान जी, और सुनीता पासवान जी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके जन समस्याओं पर काम की हैं और इस समय पार्षद पद की प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 3 की। आज हमारे साथ जुड़ेंगी और कुछ तीखे और कुछ मीठे सवालों पर बातचीत होगी। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी एक बार फिर से आपका हमारे। सबसे पहले तो हम महिला होकर के इतना ताल ठोकी हुई हैं और समस्याओं को लेके लड़ रही हैं, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्या कहेंगी कि क्या समस्या है आपके वार्ड में जेन्यून, जिस पे आप काम करने वाली हैं, और अपने वार्ड के विकास को किस नज़रिए से देखती हैं? मैं अपने वार्ड के परिवार से मैं अपना नाम बताना चाहती हूँ। मैं सुनीता पासवान भारतीय जनता पार्टी से महानगर महिला मोर्चा मंत्री पद पर हूँ। मैं अपने वार्ड से यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारे वार्ड में अधूरा है, अगर जनता हमको चुन देगी, हमको भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिल जाएगा, अगर जनता हमको चुन देगी तो मैं जो काम अधूरा है उसको हम पूरा करूंगी। देखा गया है नेताजी कई सारे समस्याएं हैं आपके वार्ड में, वार्ड नंबर 3 में बहुत सारी समस्याएं, जिसमें पूरा गोरखपुर का अगर देख लिया जाए तो एक सबसे भारी भरकम समस्या आता है। बड़े बड़े नेशनल चैनलों पे आता है कि जल जमाव की समस्या गोरखपुर में सबसे बड़ी है, तो जल जमाव की समस्या से अपने वार्ड की जनता को कैसे निजात दिलाएंगे आप? जल जमाव की समस्या से ये है कि हम लोग घर घर में अपना वो जो नाला है उसमें भरवाइए, जहाँ पानी इकट्ठा हुआ है उसको मतलब हटा कर उसको सुखवाइए। और देखा गया है एक और समस्या गंभीर ही है कि जो बिजली के तार हैं वो लटके झटके होते हैं, उस पर कोई देखने वाला नहीं रहता है। 5 साल जब शुरू का चुनाव रहता है तो नेताजी लोग कहते हैं यहाँ से विकास हम आसमान तक पहुँचा देंगे, लेकिन ना बिजली का तार सही देखने को मिला है आपके वार्ड में, लटके झटके हैं। उस क्षेत्र में आप क्या जनता को दिखाएंगे कि देखिए ऐसे होता है? देखिए ऐसा तो कोई काम ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी या चाहे हमारे यहाँ के विधायक छोड़े हुए हैं कि कोई काम अभी तक अधूरा है, छोटी मोटी टूटियाँ रह गई हैं वो मैं सुधार करूँ। उसके बाद हम लोग ये चाहते हैं कि भाई अभी नया वार्ड बना है अभी नया वार्ड बना है अब जो इसमें है जो प्रत्याशी चुने जाएंगे, पार्षद बनाए जाएंगे, तो जो बाकी काम है उसके बाद अपना होगा। तो अभी जो है आप क्या विकास करेंगे, क्या अधूरा विकास रह गया है जिसको आप पूरा करेंगे? क्यों जनता आपको चुनेगी? कोई तो मुद्दा होगा ना आपके वार्ड में जो कि उस पर अभी काम नहीं हुआ होगा, जिस पर आप काम करेंगे आने के बाद? जनता इस मुद्दे पर चुनाव हमको लड़ा रही है, वोट करेगी कि हमारे ग्राम सभा में चाहे हमारे यहाँ गोरखपुर में बहुत से सारे विकास हुए हैं। कोई ऐसा विकास नहीं है, कोई ऐसा कार्य नहीं है कि मुख्यमंत्री जी अधूरा छोड़े हुए हैं। उस क्षेत्र में हम जब जनता हमको चुन देगी, पार्षद के पार्षद बना देगी, तो जो अधूरा काम रहेगा वो हम खुद के करेंगे। अभी देखा जाता है कि वहाँ पे नाली का बहुत समस्या है, पानी इधर उधर बहते रहते हैं, नाली टूटी फूटी पड़ी रहती है, उस क्षेत्र में क्या करेंगे आप, क्या विकास करेंगे? मैं उस क्षेत्र में उस ग्राम सभा में उस वार्ड में हमने जो नाली टूटा फूटा है तो जनता हमको चुनेगी तो मैं नाली खड़ंजा सड़क ये सब जो अधूरा है सब काम करवाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा आप महिला हैं, और महिलाएं क्या लगता है कि चुनाव जीत सकती हैं? क्यों नहीं महिलाएं चुनाव, महिलाएं क्या नहीं कर सकती हैं, महिलाएं क्या नहीं कर सकती हैं, महिलाएं बताइए ये जो है सुषमा स्वराज वो भी तो महिला थी, वो भी तो जनता के लिए अपना काम की, तो इसे हम लोग भी महिला हैं, हम लोग भी अपना ये नहीं ना करे कि ये तो महिला है कहाँ तक लड़ पाएंगे, कहाँ मेयर से काम वम ला पाएंगे? नहीं जनता मेरे साथ है, वो हमारी महिलाएं जो जितनी हमारी साथ में रहती हैं, समर्थन मिल रहा है बहुत पूरा मिला, भरपूर मिला महिलाओं के समर्थन हमको। अभी जब आप जा रही हैं अपने वार्ड में घूम रही हैं तो क्या समस्या निकल के आ रहा है, जनता क्या बता रही है कि भैया हमारे पास ये चीज़ें नहीं है, क्या बता रही हैं? जनता ये बताएगी जो बाकी काम रहेगा वो बताएगी, वो हम करने के तैयार हैं।